स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ओके, न्यू लेसन है हमारे लिए, क्वाड्रिलेटरल स्टडी करेंगे। क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग आपको पता ही है, क्वाड्रिलेटरल इट मींस जिसके फोर साइड्स होते हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम स्टडी करेंगे प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस यू ऑल नो, जैसे ये सरफेस है, ये प्लेन है, सो इसको प्लेन सरफेस कहेंगे। प्लेन कर्व, यहाँ पे प्लेन कर्व की बात होगी, सिंपल क्लोज कर्व की बात होगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए कर्व का मतलब सभी को पता है, आप स्टैंडर्ड 8 में हो, है ना। तो यहाँ पर एक मैच दिया हुआ है एंड टाइप्स दिए हुए हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर मैच करना है। तो अब इसमें आपको दिख ही रहा है कि कौन सा सिंपल क्लोज कर्व है। ओके, तो ये सिंपल क्लोज कर्व है। ओके, देन क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, दिस इज ओके। तो इस टाइप से हम यहाँ पर सॉल्व करना है आपको ये CW में। देन ए पॉलीगन, पॉलीगन किसको बोलेंगे जिसमें बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स होती हैं, मोर देन टू लाइन सेगमेंट्स यहाँ पर होगी, उस फिगर को हम बोलेंगे पॉलीगन। ओके, तो यहाँ पे आप देखते हैं लाइन सेगमेंट्स 1 2 3 4, फोर लाइन सेगमेंट्स से जो क्लोज फिगर बनता है। ओके, ये क्लोज फिगर है। ओके, अगर इसमें अगर हम इस टाइप से कुछ भी फिगर बनेगा तो वो पॉलीगन नहीं होगा, है ना। पॉलीगन तब होगा जब मोर देन टू लाइन सेगमेंट्स के साथ कोई क्लोज फिगर बनता है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीगन। ओके, देन हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। ओके, तो यू ऑल नो अबाउट पॉलीगन, आप लोगों ने पहले पढ़ा है ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, देन रेक्टेंगल 4 साइड्स होते हैं, स्क्वायर 4 साइड्स होते हैं। ओके, यहाँ पे भी 4 साइड्स होते हैं। देन उसके बाद होता है पेंटागन, पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, उसके बाद हो जाएगा आपका हेक्सागन। ओके, 6 साइड्स होते हैं, फिर होता है सेप्टागन, ऑक्टागन, है ना। तो इस टाइप से ये इन सभी को हम बोलेंगे पॉलीगन, और इनके टाइप इनके कितने साइड्स होते हैं ये हमने यहाँ पर देखा है। ओके, तो यहाँ पर एक आपका ये क्लासिफिकेशन है, ये आपको नोट डाउन करना है कि उसको क्या कहेंगे और उसका फिगर किस टाइप से होगा, आपको CW में देना है। ओके, देन होता है डायगोनल। ओके, तो डायगोनल किसे कहेंगे, जब कोई फिगर है यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का ये फिगर है और इसकी टू साइड्स एक दूसरे को यहाँ क्रॉस करती है, कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तब इन टू लाइंस को हम बोलते हैं डायगोनल। ओके, ये टू लाइंस है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उसको बोलेंगे हम डायगोनल्स। ओके, सो देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ओके, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स फिगर जो इस टाइप से फिगर बने हुए हैं उनको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स फिगर, और कॉनकेव फिगर जो प्रॉपरली इस टाइप के जो फिगर्स होते हैं उसको बोलेंगे हम कॉनकेव फिगर्स। ओके, आपको फिगर देख के ही पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप के फिगर देख के आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यहाँ पर ये है कॉन्वेक्स फिगर और ये है कॉनकेव फिगर। ओके, देन होता है हमारे पास रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। ओके, तो रेगुलर पॉलीगन इट मीन्स यहाँ पर जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये साइड्स इक्वल होती है, सो इसको बोलेंगे हम रेगुलर पॉलीगन। ओके, जैसे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये टू साइड्स इक्वल होंगी, सो इसको बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। देन जिसके इक्वल नहीं होगा समथिंग ये है, इस टाइप से है ना, तो ये हो जाएगा आपका इरेगुलर। इस टाइप से जो है फिगर वो हो जाएगा आपका इरेगुलर फिगर जिसके साइड्स इक्वल नहीं होंगे। ओके, देन है आपके एंगल ऑफ सम ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप लोगों ने स्टडी किया है कि सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री एंड सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल होता है 360 डिग्री।
ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है, 180 एंड 360 डिग्री। देन हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। 3.1 में आप देखो, पहले फिगर गिवन है हमको यहाँ पर, ओके ये फिगर्स गिवन है और फिगर को देखकर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि फर्स्ट क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग और बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट सिंपल कर्व, तो इसमें सिर्फ सिंपल कर्व कौन कौन से हैं, तो आप सिंपल कर्व देखो, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, देन फिफ्थ नंबर है, सिक्स नंबर है एंड सेवन नंबर है। ओके, ये है सिंपल कर्व। देन सेकंड सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज कर्व भी यही वाले हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फाइव नंबर एंड सिक्स सेवन नंबर। ओके, देन पॉलीगन है, पॉलीगन इज फर्स्ट एंड सेकंड। पॉलीगन किसे बोलेंगे, जिसके मोर देन थ्री लाइन, टू लाइन सेगमेंट्स होगा। ओके, तो यहाँ पर फोर एंड फाइव लाइन सेगमेंट्स वाले पॉलीगन है, तो ये फिगर वन एंड टू इज पॉलीगन। देन है कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन हमने यहाँ पे स्टडी किया है, कॉन्वेक्स, तो ये जो है फर्स्ट सेकंड वाला जो है वो कॉन्वेक्स है। देन कॉनकेव, कॉनकेव यहाँ पर दिख ही रहा है हमको कि ये वाला जो इस टाइप के फिगर है वो मीन्स फर्स्ट नंबर का जो है वो कॉनकेव पॉलीगन है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर टू, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ओके, तो अब देखिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इस टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल है उसके कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, टू डायगोनल्स हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा टू। देन अ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन के कितने, अब हेक्सागन आपको ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 6। ओके, देन इसके हेक्सागन 1 2 3, ओके 3 के बाद ये 4, ये 5, देन इसके साथ करेंगे हम 6 7 8 एंड ये इसके साथ हो जाएगा ये 9। ओके, तो इस टाइप से इसके कितने हो जाएंगे, 9 डायगोनल्स हो जाएंगे। ओके, हेक्सागन के कितने डायगोनल्स हो जाएंगे, 9। देन है अ ट्राइंगल, ट्राइंगल अगर यहाँ पे गिवन नहीं है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोस्केल ट्राइंगल है, ओके तो यहाँ पर हमको पता नहीं कौन सा ट्राइंगल है, सो यहाँ पर कोई भी डायगोनल उसका नहीं होगा। ओके, जैसे ट्राइंगल ये इस टाइप से है, तो यहाँ पर कोई भी आपके लाइन इक्वल डायगोनल नहीं बन सकता है। ओके, तो यहाँ पर इसके 0 डायगोनल्स होंगे। अंडरस्टैंड, देन क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो कितना होगा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का सम, मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री। सो यहाँ पर 360 डिग्री इसका सम होगा। देन विल द प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, तो यहाँ पर आंसर आएगा यस। ओके, तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख लेना है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमारा फिनिश हो गया है एक्सरसाइज 3.1 का। ओके, तो आगे के सम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाय।